व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को आज नेटवर्क क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। नेटवर्क का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी जगह से BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रेपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आप लोग के लिए। ऑब्जेक्टिव्स या सब्जेक्टिव में हमेशा ये क्वेश्चंस आता ही आता है, लैन वैन और मैन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बेसिकली तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है नेटवर्क की। जी हाँ, मुख्य तीन ही प्रकार होते हैं, लैन वैन और मैन। जी हाँ, मैंने यहाँ पे एक टेबुलर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। टेबुलर स्ट्रक्चर में मैंने लैन वैन और मैन को मैंने डिफाइन किया हुआ है। साइड में मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने करेक्टरिस्टिक्स को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं लैन क्या होता है। लैन का स्टैंड्स ये फुल फॉर्म होता है, लैन स्टैंड्स फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। जी हाँ, लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क और मैन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जी हाँ, लैन लोकल एरिया, वैन वाइड एरिया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो दोस्तों लैन क्या होता है। लैन प्राइवेट जगह में, जैसे कि छोटा सा ऑफिस हो गया या छोटी सी घर हो गई, यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, या छोटा सा बिल्डिंग हो गया, मतलब इसका साइज़ लिमिट होता है। मतलब छोटे साइज में अगर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कनेक्शन का, यानी कनेक्शन लगाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर लैन का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग नेटवर्क का यूज़ करते ही क्यों है, नेटवर्क क्या होता है ना दोस्तों, कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग नेटवर्क का यूज़ करते हैं। एक लेमैन के भाषा में समझते हैं कि बाय नेटवर्क्स वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर। जी हाँ, नेटवर्क्स के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम लोग जोड़ते हैं, कुछ मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। जी हाँ, और उसका अलग अलग टाइप्स होता है। ठीक है, बेसिकली तीन टाइप्स होता है, लैन वैन और मैन। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसी तीन टाइप्स को आधार बेस बनाते हुए और भी टाइप्स हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं, बट बेस जो होता है यही तीन होता है, लैन वैन और मैन। तो हम लोग कहाँ पे थे, डेफिनेशन पे थे। जी हाँ, ए लैन इज़ यूजुअली प्राइवेट ऑन एंड लिंक द डिवाइस इन ए सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और ए कंपनी। जी हाँ, एक प्राइवेट सा कनेक्शन कह सकते हो, या एक छोटी सी ऑफिस में या छोटे जगह में बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग लैन का यूज़ करते हैं। छोटे ऑफिस में, छोटे से बिल्डिंग में, या अपना ही घर हो गया, अपने ही घर में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग लैन का यूज़ करते हैं। वैन क्या होता है, WAN, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, वैन क्या होता है दोस्तों, बहुत इसका जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। आप वैन के थ्रू पूरे वर्ल्ड को कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, आप देख सकते होंगे, ए वैन प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, बहुत ही लंबा ट्रांसमिशन होता है लैन का। जी हाँ, और अगर हम लोग मैन की बात करते हैं, जी हाँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं, तो मैन क्या होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है लैन और वैन के बीच का होता है। जी हाँ, मैं फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ। मैन इज ए नेटवर्क With a size between LAN and WAN, it normally covers the area inside in a town or a city. जी हाँ, अगर हम लोग बहुत एक छोटे से सिटी में नेटवर्क का काम करना चाहते हैं, या नेटवर्क कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहते हैं एक सारे सिटी में, तो हम लोग वहाँ पर मैन का यूज़ करते हैं। जी हाँ, हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो लैन का कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, सस्ता पड़ता है, लेस कॉस्टली होता है। जी हाँ, मैन क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। जी हाँ, मैन चूँकि मैन बड़े एरिया को कवर करता है, तो मैन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जी सॉरी, वैन का कॉस्ट, वाइड एरिया नेटवर्क का कॉस्ट। जी हाँ, हम लोग मैन की बात करते हैं तो मैन का कॉस्ट भी महंगा होता है, बट वैन से कम होता है। जी हाँ, मैन का कॉस्ट महंगा होता है बट वैन से कम होता है। अब चलते हैं रेंज की ओर। लैन का अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं, लैन का मैक्सिमम रेंज 1 किलोमीटर का हो सकता है। जी हाँ, 1 किलोमीटर से कम ही होता है, मैक्सिमम रेंज 1 किलोमीटर का हो सकता है लैन का। वैन का दोस्तों, वैन का कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो इसका कुछ स्पेसिफिक रेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वैन के थ्रू। जी हाँ, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया का मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर तक का होता है, कुछ हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट एक आइडियल रेंज जो देखा गया है वो 50 किलोमीटर तक का देखा गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क का। जी हाँ,
टोपोलॉजी एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है टोपोलॉजी में। हम लैन कौन सा टोपोलॉजी यूज करता है, वैन कौन सा टोपोलॉजी यूज करता है और मैन कौन सा टोपोलॉजी यूज करता है, तो देखते हैं। चलिए हम लोग, लैन बेसिकली बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी को यूज करता है। जी हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क जो बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजी को यूज़ करता है। मैंने टोपोलॉजी पर अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है छोटा सा, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हो मेरे वीडियो के सेक्शन में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कुछ मोटिवेट मिलता है मुझे आगे का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, टोपोलॉजी पे। दोस्तों टोपोलॉजी लैन हमें हमारा बस, रिंग और स्टार को यूज़ करता है, वैन एटीएम फ्रेम रिले और सोनेट को यूज़ करता है, और मैन आपका, जी हाँ मैन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बस, DQDB से शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, इसे यूज़ करता है, इस टोपोलॉजी को यूज़ करता है। अगर आप लोग को ये टोपोलॉजी डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डिटेल्स में इसका वीडियो बना दूंगा ये क्या होता है DQDB। जी हाँ, बेसिकली ये जो तीन चार ही टोपोलॉजी मैन होते हैं, इसी टोपोलॉजी को रखते हुए हम लोग और टोपोलॉजी भी बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो इस पर अलग से बना के रखी हुई है। लोकेशन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड इन द सिस्टम, चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स का, एक सेम ही बिल्डिंग्स में कम्युनिकेट कनेक्ट करने के लिए हम लोग लैन का यूज़ करते हैं। वैन क्या होता है, चूँकि वैन का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, इसमें हम लोग सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। जी हाँ, सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, चूँकि ये होल वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, मैन क्या होता है, मैन मैंने पहले भी कहा था, एक स्मॉल सिटी हो गया, एक सिटी हो गया, एक टाउन हो गया, उसको कनेक्ट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, मैंने नीचे एग्जांपल भी दे कर रखा हुआ है। जी हाँ, लैन का एग्जांपल तो मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल घर, ऑफिस, पर्सनल घर आपका, फिर वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, हम लोग ATM टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है ये, और ये आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल टेलीफोन कंपनी का नेटवर्क होता है, जो एक सिटी में अपना सर्विस को देता है, या केबल नेटवर्क हो गया। पहले के ज़माने में केबल TV का बहुत ज़्यादा यूज होता था, तो वो एक सिटी भर के कनेक्शन को प्रोवाइड कराता था। तो ये तो इसका करेक्टरिस्टिक्स था, मैं छोटा सा वीडियो को छोटा कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से पॉज करके से राइड भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।